डॉक्टर साहब, जो पहली चीज है कि कल आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो रहा है, तो इसके लिए आप लोग मतलब कब से तैयारी कर रहे थे? आई थिंक करीब लास्ट 15 डेज से ये चल रहा है, और ऐसा कुछ नहीं कि हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एवरी मंडे हमारे यहाँ मुकर्रर होता है नार्को के लिए, और सब्जेक्ट्स आते ही हैं हर मंडे को। मीडिया से पता चला था कि कोर्ट ने पर इनको ऑर्डर किया है, उसके बाद FSL रोहिणी वालों से बात चल रही थी। नार्को टेस्ट के दौरान सबसे मुश्किल चीज क्या होती है, एज ए एक्सपर्ट, आप अगर एज एन एक्सपर्ट बताएंगे? मैं कहूँगा कि मुश्किल की एक बैलेंस बनाना रहता है कि एक पेशेंट की कंडीशन को असेस करना, जो नार्को करा रहा है एनेस्थेटिस्ट, कि जिससे हम एंश्योर कर सकें कि वो सही एक नींद की स्थिति में है। डोज अगर कम होती है तो वो उसका मतलब जगह हुआ है, वो मैनिपुलेट कर सकता है चीज़ें। डोज ज़्यादा होती हैं तो उसकी सांस रुक सकती है। तो एक बड़ी फाइन लाइन मेंटेन करके रखनी पड़ती है, इसमें हम टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेते हैं। जिस तरह से नार्को टेस्ट होता है, उसमें जो बेसिक चीज जो हम लोगों को पता है, आम दर्शकों को पता है, वो यही है कि एक शख्स जो न पूरी तरह बेहोश हो न पूरी तरह जागा हो, मतलब नींद बेहोशी की आलम में हो, तो नींद बेहोशी की आलम में उसको पहुंचाना, ये कितना मुश्किल काम होता है? क्योंकि आपने जैसा अभी कहा कि अगर वो पूरी तरह बेहोश हो गया तो जवाब ही नहीं देगा, और अगर जरा सा भी होश में है तो फिर झूठ बोलेगा। ये एक दिस इज वही मैं कह रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस काउंट करता है इसके अंदर। और दूसरा, हम टेक्नोलॉजी भी उसमें लेते हैं, हम ब्रेन की EEG जो है, एक मिनी EEG होता है, समथिंग कॉल्ड बिस मॉनिटरिंग करते हैं उसमें, एंड दैट गिव्स अस एक ऑब्जेक्टिविटी ऐड हो जाती है इसमें। एक बहुत सारे ऐसे वीडियोस नार्को टेस्ट कंडक्ट जो किए गए लोगों ने देखे हैं सोशल मीडिया पर भी, है कि जिस शख्स का नार्को टेस्ट हो रहा है उसकी गाल पे थपकियां दी जाती हैं, फिर सवाल पूछे जाते हैं, तो ये इसलिए कि कहीं वो सो ना जाए? जी हाँ, कभी कभी अगर एग्जामिनर को लगता है कि पेशेंट सो रहा है तो उसको जस्ट अवेक करने के लिए ऐसा हो सकता है कुछ लोग करते हैं। आमतौर पर नार्को टेस्ट के दौरान कितने लोगों की मौजूदगी होती है डॉक्टर साहब? आमतौर पे थिएटर में दो एनेस्थेटिस्ट होते हैं, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन होते हैं जो कि सारे मॉनिटर्स वगैरह की देखभाल करते हैं, बाकी फोरेंसिक की टीम होती है जिसमें 6 से 7 लोग होते हैं। इसमें मेन सवाल कौन पूछता है? फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अच्छा, आप इतने सालों से हैं इसमें डॉक्टर साहब, इस नार्को टेस्ट का सक्सेस रेट आप क्या मानेंगे, कितना होता है? ये कहना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि वंस एक बार हमारे यहाँ से नार्को केस करा के केस चला गया, उसके बाद क्या उसका आउटकम है केस का, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। वो फोरेंसिक वाले रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, कोर्ट देखती है, कोर्ट मैटर है, कोर्ट चलता रहता है, वो डिसीजन आ गया नहीं आ गया वो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। नार्को टेस्ट में सामने वाला कितना सच बोल रहा है और झूठ, ये कैसे उस वक्त आपने कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है कि सच है या वो जो बोल रहा है, प्रेज्यूम किया जाता है सच है। अगर कोई कहता है उसको झूठ बोलते हैं तो आप उसको कैसे प्रूव करोगे कि ये झूठ है? तब तभी प्रूव कर सकते हो ना जब उसके लिए एविडेंस है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है। और पहली बात, अगर एविडेंस है तो फिर आपको नार्को की जरूरत ही नहीं है। नार्को की जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ एक डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है, आप कुछ और ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ये कहा डॉक्टर साहब आपने कि ये सच और झूठ बोल रहा है, ये पता करना मुश्किल है, उसी तरह से क्या ये भी मुश्किल नहीं है कि ये शख्स पूरी तरह वाकई नींद बेहोशी की हालत में है या फिर ये होश में है, जाग रहा है, और दवा का असर इस पर मतलब कितना हुआ है, ये पक्का तौर पर नहीं कहा जा सकता? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं जी, तब हो सकता है कि बहुत माइनर केसेस में हो सकता है पेशेंट जगह हुआ, वो कहना मुश्किल है। बट विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, नाउ वी हैव टेक्नोलॉजी विच कैन इंश्योर कि पेशेंट उस स्टेज में है जिसमें हम नार्को कराते हैं। जैसा डॉक्टर साहब आपने कहा कि नार्को जनरली उसी केस में कराया जाता है जिसमें आपको एविडेंस या सबूत की जरूरत है, तो ऐसे बड़े सारे केस हुए हैं, जैसे आरुषि केस को मैं अगर ले लूँ तो उसमें भी जो आरुषि के पेरेंट्स थे उनका नार्को हुआ, उनके सर्वेंट का हुआ, लेकिन वो केस अनसॉल्व ही रहा, उसमें कोई मतलब कामयाबी नहीं मिली। नार्को इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है,
और कोई केस सॉल्व होना, उसके अंदर बहुत चीजें इन्वॉल्व होती है। तो नार्को इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, एक जैसे आप कह सकते हैं कि पूरी एक बैटल में एक एक छोटी लड़ाई है। ठीक है, अभी पूरा वो पूरा गेम तो नहीं हुआ ना, तो एक मैच है, जैसे सीरीज का है, सीरीज आप कह सकते हैं कि एक सीरीज है और नार्को एक छोटा मैच है उसका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। जैसे ये लोग कमाते खाते हैं ना, हाँ। तू भी ऐसे कमा के आएगा और कोई मुश्किल नहीं है, हाँ। और अब कभी पैसा मिलेगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ये वीडियो तब पूरे देश ने देखा था। गांव में गिर गया था ना उसे, गांव में वो आया था क्या? हाँ गांव में। देश इस वीडियो को भुला नहीं सकता। उसका दफ्तर है। ये अजमल कसाब है, 26/11 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले का गुनहगार और इकलौता जिंदा पकड़ा गया आतंकी भी। वो बांधा और डबल दिया उसको। अच्छा, वो इस्तेमाल किया। जिहाद करने के बाद क्या होता है ऐसा बोलते थे वो? इज्जत होता है और ये सवाब का काम है, नेकी है। ये इस वक्त न पूरी तरह होश में है और न ही पूरी तरह बेहोश, यानी नीम बेहोशी की हालत में है। पैसा बहुत मिलता है। और तब इसी आलम में इसने बताया था कि कैसे मुंबई पर आतंकी हमले की साजिश रची गई, उसे अंजाम दिया गया और खुद कैसे इसका वो हिस्सा बना। वो पुलिस का गाड़ी भी उठाया था? हाँ ना। हाँ, पुलिस का गाड़ी और पुलिस जो बैठे थे उसमें, उसमें जो बैठा था उसको गोली मार दिया। हाँ। ये अब्दुल करीम तेलगी है, देश में हुए सबसे बड़े घोटालों में से एक फेक स्टैंप घोटाले का मास्टरमाइंड। जब यह पुलिस कस्टडी में था तब बोल तो रहा था मगर पूरा सच नहीं बोल रहा था, लेकिन जब नार्को टेस्ट के अंदर आया तो इसने उन नेताओं के भी नाम ले डाले जिन्हें इसने पैसे दिए थे। मिस्टर शरद पवार, मिस्टर भुजबल, आरुषि मर्डर केस की साजिश देश में हुए कत्ल की सबसे गहरी साजिशों में से एक थी। आरुषि और हेमराज को किसने मारा ये पुलिस से लेकर सीबीआई तक पता नहीं लगा पाई। ऐसे में सच उगलवाने के लिए आरुषि के माँ बाप और घरेलू नौकरों को भी नार्को टेस्ट से गुजारा गया। हालांकि अफसोस की बात यह है कि नार्को टेस्ट भी इस साजिश को बेनकाब नहीं कर पाया। आरुषि को क्यों मारा? कृष्णा, आरुषि को क्यों मारा था? अबू सलेम पुर्तगाल से इसे डिपोर्ट कर भारत लाया गया था। अंडरवर्ल्ड की अंदर की हर खबर इसके दिल और दिमाग में छुपी, मुंह से बोल नहीं रहा था, इसलिए नार्को टेस्ट के जरिए अबू सलेम के दिमाग में भी झांकने का फैसला किया गया। पर ये इतना शातिर था कि नार्को टेस्ट के दौरान एक सवाल के जवाब में ये बाकायदा गाना गाने लगा। पूरे देश को दहला देने वाले निठारी केस की कहानी भी आधी अधूरी सामने आ रही थी। निठारी का गुनहगार सुरेंद्र कोहली और उसका मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर होश व हवास में अलग अलग कहानियां सुना रहे थे। ये दोनों भी नार्को टेस्ट से गुजरे थे। इसी टेस्ट से पता चला कि निठारी का असली गुनहगार सुरेंद्र कोहली था। हालांकि एक कत्ल के बारे में पंढेर को भी पता था।